के वीडियो में हम देखेंगे फाइंडिंग द पीएच ऑफ द फॉलिंग सैंपल बाय यूजिंग पीएच पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाइल्यूट HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम कार्बोनेट वाटर लेमन जूस इथेनोइक एसिड्स मटेरियल रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब होल्डर टेस्ट ट्यूब स्टैंड टेस्ट ट्यूब एंड स्पैचुला ड्यूरिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वी ऑलवेज वियर ए ग्लव्स ओके तो हम लोग क्या करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग ग्लव्स को पहनेंगे अभी जैसा कि आप ए में देखे कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं आज हम लोग पीएच पेपर के थ्रू हम लोग अननोन सॉल्यूशंस का पीएच स्केल निकालने जा रहे हैं अब क्या होता है पीएच क्या होता है थोड़ा सा हम पीएच के बारे में जान लेते हैं पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन से ये पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड का उसका नेचर कैसा होता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है इस बात को डिफाइन करने के लिए एक जैसा आप स्केल देख पा रहे हैं ये स्केल में क्या हुआ 0 से लेकर के 14 तक है और 0 टू 14 में दिखेगा 7 से अबव जो भी होंगे वो क्या हुआ एसिड्स हुआ और 7 से बिलो जो भी होंगे क्या होंगे बेस होगा और 7 क्या होगा न्यूट्रल होगा ओके अभी हम लोग देखेंगे अब ये तो देख लिया आप सीरीज अब हम लोग क्या करेंगे इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंट ये चेक करेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना वैल्यू होता है और उसका पीएच का क्या रेंज होता है और पीएच से पता चल जाएगा वो तो कंपाउंड मेरा एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है या स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या वीक एसिड्स है या स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग वीक है इसको हम लोग करने के लिए इसको देखने के लिए हम लोग चेक करते हैं पीएच पेपर के थ्रू देखिए ये है पीएच पेपर यह है पीएच पेपर और इस पीएच पेपर के थ्रू हम लोग चेक करने वाले हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोई भी अननोन सॉल्यूशंस का रेंज उसे पता चल जाएगा कंपाउंड मेरा एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है ओके आप देखिए ये मेरे ले लिए HCl सॉल्यूशंस HCl सॉल्यूशंस में हम एक ड्रॉप डालेंगे पीएच पेपर पे तो देखो क्या इफेक्ट हो गया पूरा डार्क रेड हो गया डार्क रेड हो गया इसका मतलब आप देख पा रहे हैं ये कंपाउंड पूरा रेड है इससे भी डार्क रेड होगा ये कंपाउंड देख पा रहे हैं ठीक है इससे ये पता चल गया कि इस कंपाउंड का जो पीएच का वैल्यू है वो 1 से भी कम है इसका मतलब कंपाउंड क्या हुआ मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड्स अब देखिए एक हम कंपाउंड लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसको चेक करते हैं इसका कलर क्या होता है ये देखिए डार्क ब्लू हो गया डार्क ब्लू होने से ये पता चल गया इसका रेंज देखिए 10.5 से भी अबव है इसका एक पीएच स्केल जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं साइड में देख पा रहे हैं कि इसका पीएच का जो एक रेंज है वो 14 के करीब करीब है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए इसका रेंज हो गया 14 अभी हम लोग देखें HCl के बारे में NaOH के बारे में अब एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं सोडियम कार्बोनेट सी ये देख पा रहे हैं ये लाइट ब्लू हुआ कुछ चेंज कर रहा है कलर देख पा रहे हैं ठीक है इस ये भी कंपाउंड क्या हुआ बेसिक इन नेचर आप देखिए ये हम वाटर को चेक कर रहे हैं ये वाटर है देख लीजिए वाटर पे नो इफेक्ट ओके इसका मतलब ये कलर ना रेड हुआ ना ब्लू हुआ ये कंपाउंड देख पा रहे हैं नो चेंज इसका मतलब इसका पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 अब ये देख पा रहे हैं ये लेमन है ठीक है लेमन का अब हम लोग क्या बना रहे हैं लेमन जूस बना रहे हैं ठीक है ये देख पा रहे हैं और एक कंपाउंड को हम कर दिए सॉल्युबल अब इसका हम लोग पीएच चेक करने वाले हैं कि इस कंपाउंड का पीएच कैसा होता है ये देखिए ये लेमन जूस है अब लेमन जूस का हम लोग देखते हैं ये देखिए डार्क रेड तो नहीं हुआ लेकिन पिंक हुआ ये पिंक शो करता है इसका पीएच का रेंज जो है देख पा रहे हैं लेमन जूस का अब हम लोग देखने वाले हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड्स हैं ये देख पा रहे हैं ये पिंक हुआ मतलब कंपाउंड क्या है एसिड इन नेचर का देखे पीएच पेपर से अब देखने वाले हैं ये देख पा रहे हैं ये सब अननोन सॉल्यूशंस हैं अब इसको हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू जैसे ये टेस्ट ट्यूब 1 मान लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे ठीक है जैसे इसमें 2 ड्रॉप डाल के देख पा रहे हैं
ये देख रहे हैं ये पिंक कलर का फॉर्मेशंस हुआ, इसका मतलब कंपाउंड क्या है? एसिडिक। ये देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर का फॉर्मेशंस किया, इसका कंपाउंड क्या है? बेस। ये भी कंपाउंड देख पा रहे हैं ये बेस, एक कंपाउंड देख रहा है पिंक, ये पिंक कलर का फॉर्मेशंस किया। देखिए कंपाउंड ए बी सी डी ई एफ सब अलग अलग कंपाउंड्स हो गया। अभी हम लोग फाइव लिए हुए थे, एक वाटर ऐड किए, वाटर कलर देखिए ग्रीन हो गया। आप पीएच का रेंज में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कंपाउंड क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ये एसिडिक है, ये स्ट्रांग एसिड्स हो गया, ये वीक एसिड्स हो गया, अरे दोनों क्या हो गया? स्ट्रांग बेस। आप देखें कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए और उसको यूज किए पीएच पेपर से, और देखें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से, और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट नेचर आया और उसका पीएच अलग अलग रेंज से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।